हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। जैसा कि थंबनेल में ही आपने देख लिया कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गवर्नमेंट झारखंड का जो भी आईटीआई है उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी है कि नहीं। एक कमेंट आया था मेरे इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा था काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं झारखंड आईटीआई में, लेकिन हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं ये कैसे पता करें। तो यकीनन इसकी कोई जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी। तब हमने अपने सोर्स से पता करके एक डाटा तैयार किया है आपको, आपके काउंसलिंग में आसानी के लिए, और उसी का एक पीडीएफ बना के आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी हम बात करेंगे झारखंड के गवर्नमेंट गवर्नमेंट टोटल 61 है उनके बारे में कि वहाँ हॉस्टल है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको पीडीएफ के कैसे पीडीएफ को देखिएगा, और जिससे आपको आसानी होगी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक साइड आपको नेम आईटीआई, जो भी गवर्नमेंट आईटीआई है उनका नाम मिल जाएगा। टाइप टाइप क्या, सब गवर्नमेंट है, टोटल 61 टोटल हैं। उसके बाद फिर आपको इस वाले कॉलम में देखना है हॉस्टल, जहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले कॉलम पे देखना हॉस्टल। तो दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक पहला ऑप्शन मिलेगा एनए का। एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबिलिटी, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब वहाँ पे है। फिर थोड़ा सा आगे आप जैसे ही आइएगा तो आपको ये कॉलम दिखेगा, तब आपको ये कॉलम दिखेगा स्टेटस वाला। स्टेटस से क्या पता चलेगा, स्टेटस से पता चलेगा कि वो ओल्ड है कि न्यू है, क्योंकि झारखंड में बहुत सा न्यू हॉस्टल बना है। तो उसके सामने न्यू मिलेगा और उसके सामने ओल्ड मिलेगा। फिर आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। हम इसमें मेंशन कर रखे हैं एड्रेस, ताकि आपको वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेट है झारखंड, और प्लेस कौन से जगह पर वो स्थित हैं, जो उसका चर्चित नाम है प्लेस का, वो उसमें मेंशन किया गया। तो अब थोड़ा सा दो तीन आईटीआई को हम देख लेते हैं, ताकि आपको आसानी बना रहे। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे बीटीटी प्राइवेट आईटीआई, इसको छोड़ देंगे, ये एक्सेप्शनल है, वजह इसका कुछ और है, इसको छोड़ देंगे। इससे नीचे से हम लोग देखेंगे तो ये वाला देखेंगे, गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन जमशेदपुर। जमशेदपुर में बता रहा है कि टाइप तो जनरल है, लेकिन हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्लियर, एड्रेस इसका जमशेदपुर। फिर जस्ट उसके नीचे वाला में देखेंगे, उसके नीचे वाला में, तो उसके नीचे वाला में फिर आपको मिलेगा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुमका। क्या है, दुमका, दुमका में अवेलेबल है हॉस्टल, दुमका में अवेलेबल है। स्टेटस देख लेते हैं इसका, स्टेटस देखिए बता रहा है कि ये ओल्ड, क्लियर है, ये ओल्ड है। फिर एक दो और देख लेते हैं, ठीक, इसके नीचे ही देख लेंगे, सीरियल से चलते हैं हम लोग। इसमें देख लेते हैं हम लोग, हज़ारीबाग के बारे में बताया जा रहा है, इसमें क्या है, इसमें अवेलेबल है। और कैसा है, ओल्ड है या न्यू है, तो ओल्ड है, ठीक है। फिर इसी तरह एक न्यू को देख लेते हैं, न्यू कौन देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसको देखते हैं अब, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करमाटांड, विद्यासागर जामताड़ा। गवर्नमेंट है, अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर हॉस्टल है, और इसका स्टेटस क्या है, न्यू है, नया बना हुआ हॉस्टल है, ठीक है। क्लियर, इसका ये आपको एड्रेस है, झारखंड में है और ये जामताड़ा में। इसी तरह टोटल 61 आईटीआई का डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टोटल 61 आईटीआई का डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगा इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने काउंसलिंग में इससे मदद लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके आपको मदद पहुंचाएगा, और वीडियो देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।